चलिए, सो वी विल कंटिन्यू जो हम लोग सेकेंड एंजाइम डिस्कस कर रहे थे, पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस। पहला तो पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस में सो सबसे पहला कौन एंजाइम कौन सा है? डीएनए। सो ए होची डीएनए। सुनो, एज लगला मैंने एंजाइम, डीएनए माने डीएनए, तो इसका मतलब क्या है? डीएनए डाइजेस्ट डीएनए इनटू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। कैन यू टेल मी विच बॉन्ड इट ब्रेक्स? बोलिए कौन सा बॉन्ड ये तोड़ रहा है? जल्दी करो, ये हम लोग पढ़े हैं 9th में। बताओ कौन सा बॉन्ड ये तोड़ रहा है, देख लो। ऑनली हाँ बोलो, बोलो। हाँ एमती पढ़ी ला हम ना, तो मैंने जेजी सर क्लास करीबा किसी उत्तर न देले फायदा कुछ नहीं है ना। चलो ठीक है, तो आपको नहीं जानना है। तो डीएनए डाइजेस्ट डीएनए टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसको हम लोग इक्वेशन बना देंगे। हाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यस, देख रहा तुम्हें कहले मुँह लिखी भी ना कहले मुँह लिखी भी ब्रेक्स फॉस्फो। तुम सही बोलो गलत बोलो बट बोलना पड़ेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये ब्रेक करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, तो इसीलिए डीएनए इज ब्रोकन डाउन टू क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। टाइम ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आप सपोज ये आपका एक्शन है, ऊपर एंजाइम का नाम लिखेंगे, तो कौन सा एंजाइम है ये? डीएनए, समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड डीएनए। फाइन, एंड नीचे क्या लिखेंगे? पीएच होची 7.6 टू 8.75, तो पूरा पैनक्रियास से यही पीएच आपका चलेगा। क्लियर ना? उसको फिर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे या ना कहीं बारंबार लिखी बा, तो इधर आरएनएस कर देंगे। सो अब हमने आरएनएस के बारे में लिख देंगे, बी आरएनएस डाइजेस्ट आरएनए इनटू राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, तो सेम बॉन्ड तोड़ता है। ठीक है, वो सेम बॉन्ड तोड़ेगा, तो इसीलिए अब यहां भी वही रिएक्शन लिखेंगे, आर एन ए ये बनता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो आर एन ए से राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी, अब उसके ऊपर एंजाइम लिखेंगे हम लोग आर एन एस। तुम्हें इमिति लिखी पारिबो नहले इमिति भी लिखी पारिबो, क्या ना ए अच्छी था, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पीएच जो है फाइन, तो पीएच आपका है सेम, तो पूरा इंटेस्टाइन सबको इंटेस्टाइन पीएच ही सेम रहेगा। क्लियर, ये आपका पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस हो गया। अब थर्ड कैटेगरी, अब एंजाइम्स क्या है? पैनक्रियाटिक लाइपेस। ओके, इसका एक और नाम है स्टिप्सिन। ठीक है जी, स्टिप्सिन है, तो ये क्या करता है? इट डाइजेस्ट व्हाट?
इट डाइजेस्ट ओनली इमल्सिफाइड लार्ज फैट्स। ओके, अगर इमल्सिफाई नहीं करोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। इट डाइजेस्ट ओनली इमल्सिफाइड लार्ज फैट्स। ओके ओके, तो ये तोड़ेगा ना। अब इसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो सपोज लार्ज फैट्स, अब इसको हमने क्या किया, स्मॉल फैट्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, उसको फिर स्मॉलर फैट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ओके, स्मॉलर फैट्स, एंड ये आपका देगा क्या, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल। यस, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग एरोस बनाएंगे। फाइन, तो ये सब है, तो हर जगह पीएच सेम होगा हमारा। ओके, 7.6 to 8.75। ओके, इधर भी होगा 7.6 to 8.75, इधर भी वही होगा 7.6 to 8.75। समझ, तो आप इसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, बोले ऊपर कौन लिखी बाई थी, बाइल है कि नहीं, इधर बाइल लिखेंगे, इधर भी क्या लिखेंगे, बाइल लिखेंगे, बट बाइल क्या लिखेंगे, टीप सेम। समझ रहे हो, तो दैट इज योर पैनक्रियाटिक लाइफ। सो ये हमारा तीन कैटेगरी हो गया। फोर्थ कैटेगरी है प्रोटीन एंजाइम्स। ओके, सो थर्ड कैटेगरी है पैनक्रियाटिक जाइमोजेन्स। तो व्हाट इज जाइमोजेन्स, इनएक्टिव पैनक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, इनएक्टिव पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। फाइन, यस सर। तो ये आपका इनएक्टिव पैनक्रियाटिक एंजाइम से, व्हाई इट इज सीक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, तो दे कैन डाइजेस्ट लार्ज प्रोटीन एंड कैन ऑल्सो डाइजेस्ट आवर बॉडी प्रोटीन। ओके, so these are secreted in inactive, okay, in inactive zymogenic forms, okay, full stop, after its function. So after its function is over, तो उसका काम खत्म हो गया, तो after its function is over तो क्या होगा, बोले after its function is over it is destroyed or digested। क्यों बोलो, तो वो खुद भी एक एन प्रोटीन है, समझ रहे, तो उसको खुद जो एंजाइम्स हजम कर। ठीक है, नाउ दीज साइमोजेन्स आर एक्टिवेटेड बाय कौन सा एंजाइम, बोलिए एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टिडेज फ्रॉम क्रिप्स और लीवर। समझ रहे हो, जो क्रिप्स ऑफ लिवर कून है वो एंटेरोकाइनेज एंजाइम रिलीज करेंगे।
तो अब उसमें हम लोग रिएक्शन लिखेंगे. सो दिस इज सपोज ट्रिप्सिनोजेन. सो ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन. ओके. तो ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन. फाइन. तो बाय होम एंटेरोकाइनेस. ट्रिप्सिन. तो उसको कन्वर्ट कौन करता है? एंटेरोकाइनेस. ठीक है. तो आपका एंटेरोकाइनेस एंजाइम उसको एक्टिवेट करता है. नाउ एक बार एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? सेम रिएक्शन फिर ट्रिप्सिन खुद करेगा. ट्रिप्सिनोजेन ओके विल प्रोड्यूस ट्रिप्सिन. है कि नहीं? सेम रिएक्शन. तो एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी. ठीक है. ये खुद ही खुद को एक्टिवेट कर सकता है. क्लियर. तो आप ही तो मुंह कौन दरकार? सेम ट्रिप्सिन. इसलिए एक बार ट्रिप्सिन आ गया उसके बाद वो खुद ही खुद को एक्टिवेट कर देगा. ठीक है. फाइन. सो वो आपका ट्रिप्सिन. समझ रहे? तो इसलिए एक बार ट्रिप्सिन आ गया वो खुद को भी एक्टिवेट करेगा बाकी समस्तों को भी एक्टिवेट करेगा. ठीक अच्छी. आउ को एंजाइम अच्छी हमारा सेम काइमोट्रिप्सिनोजेन. ये बनता है काइमोट्रिप्स. ठीक अच्छी. सब कुछ सेम. एवरीथिंग इज सेम. उसी तरह से आएगा आपका प्रो कोलाजिनेस से बनेगा कोलाजिनेस. सिमिलरली प्रो इलास्टेज से बनेगा इलास्टेज. ओके. सिमिलरली प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज से बनेगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज. एवरीथिंग इज सेम. ओनली डिफरेंस इज द नेम्स. हला ओनली इज द नेम्स. फाइन. आप सब में एरो दिया जाए तो एरो एरो पीएच समझता ना तो हमें नीचे लिखी दबा. हला तो ये सबका एरोज लिख दिया मैंने. All arrows. ठीक है. सब में कौन सा क्या करेंगे? ट्रिप्सिन. Yes. तो सब बुथरा में लिख दबा ट्रिप्सिन. तो वी विल यूज द शॉर्टकट. ओके. टी आर वाई पी एस आई एन कॉमा 7.6 to 8.75 ट्रिप्सिन. 7.6 to 8.75 ट्रिप्सिन. ठीक है. सो ये सारा का सारा आपका हो गया. ओके. यही थे भी हमें लिखवा पीएसटा. इधर भी लिखेंगे 7.6 to 8.75. तो आप देख रहे हो. तो अब हमने क्या किया? तो ऑल दिस इज रेफर टू एज व्हाट? ये सब का मीनिंग क्या है? ये सब हम लोग लिखेंगे इधर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स. एक्टिवेशन ऑफ
inactive zymogenesis. ठीक है, तो अब हमने सारा एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया. अब जैसे ही एंजाइम्स एक्टिवेट हुआ, तो अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट, क्या, डाइजेशन. ओके, डाइजेशन. ठीक है, तो डाइजेशन रे कौन हवा, फाइन. तो डाइजेशन में हम लोग लिखेंगे क्या, सो वी विल राइट द इक्वेशन. तो प्रोटीन्स होगा, नहले पेप्टोन्स फ्रॉम स्टमक, क्योंकि स्टमक से जो आएगा वो पेप्टोन फॉर्म में होगा, या पेप्रोटीन्स, तो जो भी होगा, सो उसको डाइजेस्ट करेगा इनटू क्या, पेप्टाइड्स. सो हु विल डू दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका क्या, सो दिस रिएक्शन इज डन बाय ट्रिप्सिन. ओके, ट्रिप्सिन भी करिपारिबो, काइमोट्रिप्सिन भी करिपारिबो. ओके, ट्रिप्सिन भी कर सकता है, काइमोट्रिप्सिन भी कर सकता है. पीएच क्या है, 7.6 to 8.75. ठीक है जी, सो ये आइदर आप ट्रिप्सिन या दोनों इकट्ठा लिखने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं. ठीक है जी, तापरे उसके बाद जो कोलाजेन है वो एक स्पेशल प्रोटीन है, तो उसको दूसरा कोई एंजाइम हजम नहीं कर सकता, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम है, क्या, कोलाजिनेज, है कि नहीं, तो दैट इज कोलाजिनेज. तो ये आपका भी बन जाएगा पेप्टाइड्स. ठीक है जी, तो इसलिए उसके ऊपर एंजाइम का नाम लिखेंगे कोलाजिनेज. पीएच सेम 7.6 to 8.75. ठीक है, चलो उसी तरह से एक और प्रोटीन होता है स्पेशल प्रोटीन, इलास्टिन, तो उसको भी हर कोई हजम नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी स्पेशल एंजाइम चाहिए, वो भी पेप्टाइड्स बनाएगा. एंड उधर कौन सा एंजाइम लगेगा, इलास्टेज. And what is the pH? pH is 7.6 to 8.75. Clear? अब ये जो peptides है उसको भी हम तोड़ेंगे, तो peptides को भी और छोटा बनाना है, तो peptides are broken down to क्या, स्मॉलर पेप्टाइड्स. ओके, तो पेप्टाइड्स आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पेप्टाइड्स. ठीक है, अब हु इज डूइंग दिस रिएक्शन, सो दिस इज डन बाय कार्बोक्सीपेप्टिडेस. ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, एंड व्हाट इज द पीएच, पीएच सेम 7.6 to 8.75. तमें निजे भाव जो आमर 11th एनसीईआरटी देची, सेतरे डाइजेशन रे पीएच ही देनी. यस सर. मैजिक हो रहा है ना क्या? तो सोचो. अब सोच रहे हो कि जेजे सर का क्या इम्पोर्टेंस है? बस स्टूडेंट. यस. पढ़ा पढ़ा. तो समझ रहे हो? अब वो सब कौन बताएगा तुम लोग को? That is the case. मतलब there is no pH, सब automatically हो रहा है, मिला? तो वहाँ कोई pH वेज का जरूरत नहीं पड़ता है, सब अपने आप हो रहा है, अल्लाह भरोसा. हाँ, आप देखिए, ना यहाँ हम लोग एक नोट लिखेंगे. Fine, so note. तो नोट में एक चीज देखेंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन,
collagenase and elastase are all endopeptidases. मतलब क्या है? Break internal peptide bonds. समझ रहे हो? तो ये आपका endopeptidases है. कार्बोक्सी पेप्टिडेज इज एन एक्सो पेप्टिडेज. ठीक है, सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एन एक्सो पेप्टिडेज कट्स वन एमिनो एसिड एट ए टाइम फ्रॉम COH side to amino side. Bracket re right to left. आ समझ? तो ये उसका कंसेप्ट है. नाउ एंडोपेप्टिडेज का मतलब है वो अंदर का बॉन्ड तोड़ सकता है, एंड एक्सोपेप्टिडेज का मतलब है वो बाहर से काट काट के आएगा. मैं समझा रहा हूं उसको. So now, what does that mean? उसका मीनिंग मैं समझा रहा हूँ. इसको पहले अपन अच्छे से अंदर ला लेते हैं. हो गया. Now suppose ये हम लोग एक लाइन खींचेंगे. Suppose ये एक प्रोटीन है. Okay? Now this is a protein and ये आपका क्या है? So ये प्रोटीन है एंड दीज आर द एमिनो एसिड्स. सपोज एक, देख, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह. समझ रहे हो? तो ये आपका प्रोटीन है. तो जब मैं आपको प्रोटीन पढ़ा रहा था, मैंने आपको क्या बताया था कि राइट साइड इज COOH साइड एंड जो लेफ्ट साइड है इसको NH2 साइड बोलते हैं. समझ रहे हो? तो इसीलिए अब हम लोग अगर यहां काटेंगे, ओके, सपोज यू कट हियर, ओके, या सपोज आप यहाँ काटते हो, तो ये सब कौन से कटिंग हैं? सो दीज आर कॉल्ड एंडोपेप्टिडेसेस. ठीक है, तो ये भी एंडोपेप्टिडेसेस. फाइन, सो बोथ ऑफ देम आर एंडोपेप्टिडेसेस. बट अब मैं क्या कर रहा हूँ? सपोज आई एम कटिंग वन, इसको पकड़ा एंड ओके, इसको पकड़ा मैंने एंड ये बॉन्ड को काटा. फाइन, उसको पकड़ा एंड ये बॉन्ड को काटा. फाइन, तो आपका कितना अमीनो एसिड आएगा? बोलो, ये कितना अमीनो एसिड निकलेगा? बोलो, अरे गोटे धर के बॉन्ड भांगले कितना अमीनो एसिड बाहर? अरे सो गए क्या? अच्छा, लो फिर मैं क्लास एंड कर दे रहा हूँ. ना आओ तो हमें चुप मुंह कौन तो हमारे डी बच्ची चक्कर ना कौन. बस तुम्हारा टाइम खत्म, मैंने लिख दिया, अब क्लास खत्म. तुम वो गुंगा होके बैठे रहोगे तो मैं क्या तुम लोगों को बैठ के